गुलेरिया थाने की पुलिस ने अवैध रूप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु में वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गीता भारती पुत्री रामाश्रय भारती निवासी पनियरा स्टेट बैंक के सामने थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्ता के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक शेष कुमार शर्मा, महिला कांस्टेबल कोमल सिंह शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, विगत दिनों सत्यम अस्पताल के अंदर अवैध रूप से बिना किसी डिग्री के ऑपरेशन किए जाने के कारण महिला की मृत्यु के संबंध में पंजीकृत अभियोग में एक वांछित अभियुक्ता जो कि उस अस्पताल में दाई का कार्य कर रही थी, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास किसी भी तरह के दस्तावेज या ट्रेनिंग नहीं थी, इसके बाद भी उसने व अन्य तीन साथियों ने मिल करके उस महिला का ऑपरेशन किया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसे नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।